तो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल और बच्चों अब हम लोग हमारे चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं यानी कि ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है कुछ 20 वीडियोस बन चुके हैं अभी भी आप मान के चलिए लगभग दो वीडियोस और बनेंगे जिसमें आज के क्लास में हम लोग सारी बैटरीज की बात करेंगे और अगली क्लास में हम लोग कोरोजन की बात करेंगे कोरोजन क्या होता है उसकी क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वगैरह क्या होती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आज की क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की गाइज ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा वहां पर बहुत सारे नोट्स वगैरह अपने अवेलेबल हैं और हम लोगों ने सॉल्यूशन के वहां पर एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए हैं सॉलिड स्टेट्स के इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए हैं आप ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड करो स्टूडेंट की तरह लॉग इन करो और स्टोर पर जाकर जितने भी कोर्सेज है वो चेक करो ठीक है चलिए तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉकिंग अबाउट बैटरीज बैटरीज ना गाइस बैटरी इसका मतलब क्या होता है बैटरी कोई भी एक सेल हो सकता है बैटरी कैन बी एनी सेल और मोर देन वन सेल और मोर देन वन सेल या तो ये एक सेल होगा या मोर देन वन सेल वीच आर कनेक्टेड विच आर कनेक्टेड इन सीरीज आप इन्हें या तो एक सेल मान सकते हो या एक से ज्यादा सेल मान सकते हो जो सीरीज में कनेक्टेड हो फराडे सेकेंड लॉ के हिसाब से विच इनका काम क्या होता है विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ अ Uh, usually cell के अंदर मेरे प्यारे बच्चों बताओ कौन सी रिएक्शन चलती है redox reaction चलती केमिकल एनर्जी exactly. so मतलब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है क्या बात समझ में आ रही है गाइज याद करो हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि हमारे पास में दो तरीके के सेल्स आते हैं एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलेटिक सेल अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले इलेक्ट्रोलेटिक सेल्स पढ़े थे और क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोलेटिक सेल के अंदर कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी को बनाता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है लेकिन हमारे लिए बैटरी का क्या यूज है आप कहां बैटरी यूज करते हो आप वॉचेस के अंदर बैटरी यूज करते हो आप वॉल क्लॉक के अंदर बैटरी यूज करते हो हमारी कार बाइक के अंदर बैटरी होती है मोबाइल फोन के अंदर बैटरी होती है हमारे घरों में जो इन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर बैटरी होती है तो बच्चों ये जो बैटरी होती है क्या इन बैटरी के इस्तेमाल के लिए आप लोग इन्हें बाहर से करंट पहुंचाते हो मैं चार्जिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए क्या आप इन्हें इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो फिर क्या मतलब है फिर इन बैटरी का क्या मतलब है एक्चुअली इन बैटरी को क्या करना होता है बस रिमोट के अंदर सेल लगाया रिमोट काम करना चालू घड़ी के अंदर बैटरी डाली घड़ी काम करना चालू तो ऐसा इन बैटरीज के अंदर क्या हो रहा है कि ये किसी इंस्ट्रूमेंट को या इंस्ट्रूमेंट के काम करने को मतलब उसका काम करना स्टार्ट कर दे या किसी इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग स्टार्ट कर दे तो मेरे प्यारे बच्चों इन सेल्स के अंदर क्या होता है कुछ केमिकल्स भरे हुए होते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कैथोड होता है एनोड होता है और इन सेल्स का काम होता है केमिकल रिएक्शन करना ये अपने आप केमिकल रिएक्शन करते हैं तो बैटरी के अंदर कैसी रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस टाइप की केमिकल रिएक्शन इनके अंदर होती है और ये स्पॉन्टेनियस टाइप की केमिकल रिएक्शन करने की वजह से ये लोग क्या करते हैं इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है कौन सी होती है रेडॉक्स रिएक्शन मतलब यहां पर एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा तो एक तरफ रिडक्शन होगा तो इस रेडॉक्स रिएक्शन की जो भी केमिकल एनर्जी है इसको ये काय में कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज करते हैं तो समझ में ही बात आप लोगों को बैटरीज का क्या काम होता है सो so बेसिकली जितनी भी बैटरीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट ऑल बैटरीज आर नथिंग बट डिफरेंट टाइप ऑफ गेलवेनिक सेल्स तो हम लोग क्या यूज कर, लो कर रहे हैं वी आर यूजिंग नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेलवेनिक सेल वॉट आर बैटरीज बैटरीज आर नथिंग बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलवेनिक सेल डिफरेंट टाइप्स के गेलवेनिक सेल को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ बैटरी क्या बात समझ में आ रही है मतलब यहाँ पर बैटरीज के अंदर आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा बैटरी के अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके का आई रिपीट किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोलैटिक सेल का इस्तेमाल नहीं करना है मेरे प्यारे मित्रों अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलैटिक सेल यूज किया प्रॉब्लम हो जाएगी हमें क्या यूज करना है सेल समझे नहीं बोलिए क्या बात समझ में आ रही है वेरी गुड तो गाइस आगे चलते हैं चलिए थोड़ा सा मस्ती मजाक चलता रहता है इतना नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना हो गाइस हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो बैटरी है ये जो हमारा बटरी है बटरी ई बटरी ही प्रकार का होता है ई बटरी ही प्रकार का होता है पहला प्राइमरी बटरी हमारा एक दोस्त था वो बैटरी को बटरी बोलता था इसलिए मुझे बटरी याद आ गया और दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी तो अपने पास में दो तरीके की बैटरीज होती है गाइस वी हैव टू टाइप्स ऑफ बैटरीज फर्स्ट इज प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी बैटरी क्या बात समझ में आ रही है प्राइमरी बैटरी की मैं आपको खासियत बताता हूं प्राइमरी बैटरी कैन बी यूज कैन बी यूज ओनली वंस यानी ये सिर्फ एक बार यूज होगी मतलब इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो सिर्फ एक बार होगी और इसकी केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी वो हम एक ही बार यूज कर पाएंगे उसके बाद जब ये सेल डिस्चार्ज हो जाएगा आप इसे रिचार्ज नहीं कर सकते तो कैन बी यूज वन दैट इज द केमिकल रिएक्शन दैट इज द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस टेक्स प्लेस ओनली वंस सिर्फ एक बार ही इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी एक बार ही ये काम करेगी एंड कैन नॉट बी रीयूज एंड कैन नॉट बी रीयूज वंस इट डिस्चार्ज वंस इट गेट्स डिस्चार्ज एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो गया तो आप इसे रिचार्ज नहीं कर सकते तो प्यारे बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे दैट योर प्राइमरी बैटरी आर ओनली यूज एंड थ्रो टाइप ये किस तरीके की होती है यूज करा थ्रो करा टाइप होती है क्या बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों को पक्की बात श्योर हंड्रेड परसेंट क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सेकेंडरी बैटरी की सेकेंडरी बैटरी के अंदर क्या होता है When current is applied in the opposite when current is applied in the opposite direction in the opposite direction the chemical reaction the chemical reaction gets reversed gets reversed and the cell gets recharged एंड द सेल गेट्स रीचार्ज एंड हैं एंड हैं कैन बी यूज फॉर मल्टीपल टाइम्स आप इसे मल्टीपल टाइम के लिए यूज कर सकते हो सेकेंडरी बैटरी को क्यों क्योंकि ये रिचार्जेबल होते हैं दे आर रिचार्जेबल इसके पीछे क्या लॉजिक बताया मैंने जैसे मैंने आपसे प्राइमरी बैटरी के अंदर कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों जो प्राइमरी बैटरी होती है उसमें केमिकल रिएक्शन एक ही बार होती है मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर रिएक्शन ए से शुरू हुई तो और बी पर गई और ये खत्म हो गई लेकिन यहां पर क्या होगा अगर आपने केमिकल रिएक्शन करी ए से बी बनाया तो अब आप क्या करो अपोजिट डायरेक्शन में करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर दो मतलब रिचार्जिंग करना स्टार्ट कर दो तो बी से वापस क्या बन जाएगा ए और जब आप ए से वापस बी बनाओगे जब आप ए से वापस बी बनाओगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपको करंट मिलेगा जीओ बैटरी का काम होता है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना और जब बी बन जाए यानी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो वापस से आप इधर से करंट सप्लाई करो अपोजिट डायरेक्शन में तो वापस से बी गाय में कन्वर्ट हो जाएगा ए में और फिर करंट की सप्लाई रोक दो तो फिर ए से धीरे धीरे बी बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपको वापस से इलेक्ट्रिसिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी मतलब ये रिचार्जेबल होते हैं पहले इतना नोट कर लो फिर मैं बोर्ड पर पहले प्राइमरी बैटरीज के बारे में बात करूंगा मैं पहले से सब कुछ लिख दूंगा सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके नोट भी बन जाए और आपका टाइम भी बच जाए तो प्लीज गाइज इसको नोट करें कणा तो गाइज देखिए अब आपके सामने मैंने लिख दिया है प्राइमरी बैटरीज मतलब यहां पर हम लोग प्यारे बच्चों के साथ मेरे लाडलो के साथ में वो चीज डिस्कस करूंगा जो कि रिचार्जेबल नहीं है जिसके अंदर सिर्फ वन टाइम आप उसे यूज कर सकते हो और बच्चों सबसे पहली प्राइमरी बैटरी हमारे पास में होती है ड्राई सेल लेकल सेल भी उसको बोलते हैं एंड बच्चों ये वही बैटरी है जो आप लोग अपने घर के रिमोट्स वगैरह में अपने जो रिमोट कंट्रोल कार्स होती है उसके अंदर या जो भी आप रिमोट कंट्रोल्स जो आप यूज करते हैं वॉच वगैरह हो गई जो आपकी वॉल क्लॉक हो गई उन सब के अंदर जो सेल यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ड्राई सेल गाइस दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्राइमरी बैटरी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई बैटरी है प्राइमरी तो वो यही है जिसको आप सेल बोलते हो, जिसको आप आप सेल 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 बोलते हो. Market market बोलते बोलते हो हो ऑथेंटिक मार्केट में भैया दे देना तो यह वही सेल है ड्यूरा सेल और ये जो मार्केट में आता है ना ड्यूरा सेल वगैरह वो यही है देखो डायग्राम भी मैंने बना रखा है कितना सुंदर सा डायग्राम बनाया है मैंने बायोलॉजी स्टूडेंट होने का यही फायदा होता है डायग्राम बहुत अच्छे बनाने हो जाते हैं चलिए तो सबसे पहले बात करते ड्राई सेल की देखो मैंने बिल्कुल बकवास हटा दी है काम की चीज हम लोगों ने लिखी है जो आप लोगों को एग्जाम में आ सकती है अगर हम इस ड्राई सेल की बात करें प्यारे बच्चों तो सबसे पहली बात देखो एक बात मैं आपको बताता हूं कोई भी बैटरी कोई भी सेल हमारे काम का कब हो सकता है आप भी सोचो कोई भी बैटरी कोई भी सेल आपके काम का कब हो सकता है वो आपके काम का तब होगा जब वो आपको लगातार एक जैसा स्टेडी पोटेंशियल दे सके कभी कभी आपने रिमोट में या आपने वॉच में सेल डाला और उसने इतना पोटेंशियल देना चालू कर दिया कि घड़ी दौड़ने लग गई घड़ी तेज 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 दौड़ रही है फिर एकदम से रुक गया तो घड़ी घूम रुक गई जैसे आप देखोगे ना जब आपकी इस घड़ी के अंदर जब वो सेल खराब होने लगता है तो कभी कभी घड़ी रुक जाती है और कुछ घंटों तक रुकने के बाद वो तो फिर चालू हो जाती है समझ रहे हो मतलब वो सेल ने थोड़ी सी सेल रुक गया सेल ने काम करना बंद कर दिया फिर जो बच्चे कुछ केमिकल रिएक्शन है वो हुई तो बच्चे कुछ ही केमिकल रिएक्शन होने से फिर थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी और घड़ी फिर काम करना चालू कर दी तो वहां पर क्या हुआ आपका पोटेंशियल कुछ देर के लिए रुक गया और फिर चालू हो गया तो हम लोगों के लिए घड़ी और रिमोट कंट्रोल और ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनमें हमें सेल ऐसा चाहिए जो कंटिन्यूसली एक जैसा स्टैंडर्ड हमें पोटेंशियल दे ज्यादा वेरिएबल ना हो हल्का हो लाइट हो और वो जो सेल जो मार्केट से आप लेकर आते हो कितना हल्का होता है लेकिन कितने काम का होता है समझ में आ रही बात तो आप लोगों को अच्छा सिंपल हो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए एक बैटरी की प्राइमरी बैटरी क्योंकि यूज एंड थ्रो वाली कंडीशन में होती है इनके साथ ये सारी कंडीशन ज़्यादा होनी चाहिए क्यों क्योंकि ये सिर्फ एक बार यूज की जाती है मान लो आपकी घड़ी का सेल बहुत भारी होता और सिर्फ एक ही बार आप उसको यूज कर सकते एक महीना और फिर उसको फेंकना पड़ता तो सोचो दिमाग लगाओ कितनी परेशानी होती तो इस बात पर आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा चलिए तो ड्राई सेल में अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों जो एनोड होता है दैट विल बी जिंक कंटेनर आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए आपका जो सेल है सेल का ये जो आपको कंटेनर दिख रहा है देखिए मैंने सेल को काट दिया है और ये जो आपको कंटेनर दिख रहा है ये जिसने सेल को चारों तरफ से घेर रखा है ये दिस कंटेनर इज मेड अप ऑफ जिंक और ये किस तरीके से काम करेगा एनोड की तरह काम करेगा समझ मारी तो जो आपका वो जो सेल होता है, जिसके ऊपर वो ड्यूरा सेल लिखा हुआ रहता है या वो निपॉन लिखा हुआ होता है तो जो कवर होता है वो एल्यूमिनियम का पते का कवर होता है जब आप उसको हटाओगे तो अंदर आपको एक ग्रे कलर का एक ग्रे कलर की आपको कवरिंग दिखेगी दैट इज योर जिंक कंटेनर आप कभी करके देखना वो जो सेल होता है सेल के ऊपर की परत हटा देखना आपको अंदर एक ग्रे कलर का एक ग्रे कलर का आपको सिलेंडर दिखेगा जो ऑथेंटिक जिंक से बना हुआ है और ये किस तरीके से काम कर रहा है ये एनोड की तरह काम कर रहा है और हम लोग सब जानते हैं प्यारे बच्चों एनोड पर हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन तो आप देख सकेंगे जिंक यहां पर ऑक्सीडाइज होकर जेड एन डाई पॉजिटिव बना रहा है और दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है इज दैट क्लियर टू यू गाइज क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं कैथोड की तो देखो प्यारे बच्चों कैथोड में आपने देखा होगा सेल के ऊपर एक छोटा सा इस तरीके का पॉइंट होता है गोल सा एक छोटा सा गोल पॉइंट होता है जिसको आप वो प्लस माइनस में लगाते हो तो एक तो एक नीचे वाला पूरा चपटा होता है और ऊपर वाला छोटा सा पॉइंट उठा हुआ होता है बस वही वही आपका कैथोड जो इस तरीके से अंदर डिप किया हुआ होता है ये कार्बन से बनता है एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ कार्बन या मैं कहूं ये ग्रेफाइट की रॉड होती है कार्बन ग्रेफाइट एक ही बात है लेकिन काम कार्बन नहीं करता है ये जो इलेक्ट्रोड होता है जो कैथोड होता है इसको हम लोग पाउडर्ड मैग्नेशियम मैग्नीस ऑक्साइड से कवर करके रखते हैं हम लोग क्या करते हैं इस कार्बन के इलेक्ट्रोड को पाउडर्ड मैगनीस ऑक्साइड से कवर करके रखते हैं जो कि ऑथेंटिक काम करता है और आपने देख लिया आपका कार्बन रॉड देख लिया ये आपका क्या हो गया कैथोड नाउ कैथोड और एनोड के बीच में ये जो खाली स्पेस बची हुई है ये जिसको अभी अभी मैंने ब्लू से इस तरीके से जिक्जैक बनाया है ये जो आपकी जो खाली स्पेस है इसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड ग्रेफाइट और मैग्नीज़ ऑक्साइड का एक पेस्ट भर देते हैं तो एक्चुअली कार्बन कैथोड और जिंक एनोड के बीच में जो खाली स्पेस होती है उसमें अमोनियम क्लोराइड ग्रेफाइट और मैग्नीज़ ऑक्साइड का एक पेस्ट भर दिया जाता है जो कैथोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन करने में हमारी मदद करता है ध्यान से देखिए क्या रिएक्शन होगी के ऊपर मैग्नीज़ ऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड के एन एच फोर डाइपॉजिटिव और एनोड से आते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा जिसमें इस मैग्नीज ऑक्साइड को आप ध्यान से देखिए मैंने एम एन ओ लिख दिया एम एन ओ टू में से मैंने एम एन ओ लिख दिया और एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन और इस अमोनियम आयन में से एक हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन दोनों मिलकर बन गए ओ OH एच नेगेटिव और इस तरीके से मैग्नीज से जुड़ गए अब आप प्यारे बच्चों यहां पर आप देखो मैग्नीज के ऊपर माइनस टू चार्ज होता है और ओ OH एच के ऊपर माइनस वन चार्ज होता है यह बात हम लोग सब पढ़ के आए हैं तो माइनस टू माइनस थ्री कितना हो गया टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया इसलिए मैग्नीज के ऊपर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है प्लस थ्री इसलिए देखो तो यहां पर मैंने प्लस थ्री लिखी है और एम एन ओ टू पर हम लोग सब जानते हैं मैग्नीज पर प्लस फोर चार्ज होता है तो आप देखिए मैग्नीज का यहां पर रिडक्शन हो गया इस अमोनियम ने एक हाइड्रोजन इसको दे दिया अब यह बच्चा एनएच थ्री पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेकर यह बन गया अमोनिया गैस और ये बाहर रिलीज हो गया तो इस तरीके से कैथोड एनोड पर केमिकल रिएक्शन चलती है समझ में आ रही है बात आप लोगों को तो हम लोगों ने क्या बोला कैथोड और एनोड के बीच में एक मॉइस्ट एक मॉइस्ट यानी गीला पेस्ट अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का भर दिया जाता है अगर आप यहां पर अमोनियम क्लोराइड की जगह जिंक क्लोराइड ले लो तो भी चलेगा लेकिन अमोनियम क्लोराइड लेना ज्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि अमोनिया गैस यही रिलीज करेगा जब यह केमिकल रिएक्शन होगी यानी जब एनोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पर रिडक्शन होगा तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और आपको एक पोटेंशियल बनाकर देगी विल बी 1.5 यानी इस ड्राई सेल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है तो प्यारे बच्चों वो केमिकल रिएक्शन इस सेल का पोटेंशियल एनोड कैथोड कैसे बनता है और इसके बीच में कौन सा पेस्ट होता है एंड दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि ड्राई सेल क्या होता है ड्राई सेल का पोटेंशियल कैसा होता है ड्राई सेल के एनोड पर ड्राई सेल के कैथोड पर किस तरीके की केमिकल रिएक्शन करी जाती है तो प्यारे बच्चों प्लीज इसको ध्यान से नोट कर लो अच्छे तरीके से लिख लो और अगर कोई डाउट हो तो अभी मार्क कर लो कमेंट सेक्शन में लिख दो बस हमारा एक हाथ वीडियो और बचा है अगर डाउट नहीं होगा तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे जंप कर जाएंगे फिर इसके डाउट सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा फिर एग्जाम टाइम पे देखेंगे उसको बट अभी जरा इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो और ये आपके नोट्स में प्रॉपर तरीके से बना हुआ होना चाहिए होना चाहिए और ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए थ्योरेटिकल है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज गैस इसे नोट करें इसे रब करके चलेंगे घड़ी के वो सेल के अंदर जो वॉच के अंदर जो रिस्ट वॉच के अंदर जो छोटा सा गोल गोल सा जो सेल डलता है मरकरी सेल उसकी बात करेंगे बट पहले नोटेड डाउन हाँ जी अब बच्चों आप लोगों के सामने आ गया है हमारा सेकेंड टाइप का प्राइमरी सेल जिसका नाम है मर्क्यूरी मर्क्यूरी सेल की अगर मैं बात करूं तो मर्क्यूरी सेल आपने देखा होगा बहुत छोटा सा इस तरीके का गोल सा सेल आता है इस तरीके का चपटा सा सेल आता है और इस सेल को मर्क्यूरी सेल बोला जाता है या आपको घड़ी वगैरह के अंदर छोटा सा गोल सा सेल आता है उसी को अपन बोलते हैं मर्क्यूरी सेल ठीक है नाउ इस मर्क्यूरी सेल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को यहां पर आपके साथ में ये पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं कि मर्क्यूरी सेल मार्केट में आता क्यों है जब अपने पास में उतना अच्छा ड्राई सेल था तो मर्क्यूरी सेल की क्या जरूरत है तो बच्चों ऐसे डिवाइसेस जिसमें लो करंट की जरूरत हो जैसे कि रिस्ट वॉच इयरिंग एड वो जो जिनको सुनाई नहीं देता वो कान में इरिंग एड लगा तो उनकी मशीन होती है छोटी सी मशीन होती है जिसको पॉकेट के अंदर कैरी करते हैं तो छोटी सी मशीन है तो छोटी सी मशीन को करंट भी कम चाहिए होगा तो जिनको कम पोटेंशियल वाला करंट चाहिए होता है जिनको कम करंट की सप्लाई चाहिए होती है तो ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस के लिए आप लोग इसका, इसका इस्तेमाल करते हैं आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं कि सेल से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो वन पॉइंट होता है अच्छा इस सेल की खासियत और होती है कि दिस पोटेंशियल रिमेन्स कॉन्सटेंट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ यानी जितने भी टाइम तक ये काम करेगा जितनी भी देर तक यह काम करेगा इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा इसके अंदर इसके पोटेंशियल के अंदर बिल्कुल चेंज नहीं आएगा जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपनी वो जो घड़ी होती है वॉल क्लॉक वो जो ड्राई सेल जिसके अंदर अपन यूज करते हैं ड्राई सेल के पोटेंशियल में कभी कभी वेरिएशन आ जाता है इस वजह से घड़ी रुक जाती है या कभी स्लो हो जाती है क्यों क्योंकि उसके पोटेंशियल में वेरिएशन आ रहा है क्यों क्योंकि वहां पर हम लोगों ने मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड मैगनीस ऑक्साइड एंड कार्बन यूज किया था तो वो मॉइस्ट पेस्ट एक सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसी फीलिंग बनाता है लेकिन यहां पर आप देखो यहां पर किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं है खैर वो भी ड्राई सेल ड्राई मतलब ड्राई लेकिन हल्का सा मॉइस्टनेस वहां पर रखी थी यहां पर हम लोगों ने वो मॉइस्टनेस भी खत्म कर दी तो क्योंकि यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है कोई आयंस वगैरह का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसलिए इसका पोटेंशियल थ्रू आउट द लाइफ क्या रहता है कांस्टेंट रहता है चलिए बात करते हैं एनोड की

कार्बन का यहां पर क्या होगा कैथोड होगा प्लीज इसको थोड़ा सा फोकस करके याद रखिएगा और कैथोड एनोड के बीच में जो खाली स्पेस होती है जो खाली बॉडी होती है उसके अंदर एक जिंक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट रख दिया गया क्यों रख दिया गया ताकि बेटा ये दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आप लोगों को दिखाई पड़े वरना कंडक्टिविटी कैसे दिखाई देगी तो कंडक्टिविटी क्रिएट करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का यहां पर इस्तेमाल करना होता है चलिए केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं अगर आप देखिए एनोड तो एनोड पर जिंक मौजूद है इसके पहले मैं आपको जरा कैथोड की केमिकल रिएक्शन सिखाना चाहूंगा यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों कैथोड पर मर्क्यूरी ऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनोड से आ रहे होंगे उस इलेक्ट्रॉन के साथ ये मिलेगा अच्छा आप काफी बच्चों के मन में ख्याल आएगा सर वाटर कहाँ से आया तो मैंने आपसे कहा ना हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट बनाया है तो पेस्ट बनाने के लिए हमने वाटर यूज किया लेकिन आई रिपीट मैं बार बार कहूंगा यहाँ पर जो वाटर यूज करा गया है वो बहुत रेयर बहुत कम क्वांटिटी में यूज किया गया है बहुत कम क्वांटिटी में लेकिन फिर भी किया गया है क्योंकि पेस्ट बनाना जरूरी है और इलेक्ट्रोलाइट को जब तक आप वाटर के अंदर मिलाओगे नहीं इलेक्ट्रोलाइट के आय फ्री नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी मतलब यहाँ पर भी पानी यूज करना है भले ही भले ही ही ड्राई सेल सेल बोल बोल रहे रहे हैं हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा सूखा है पानी तो रखना ही पड़ेगा वाटर के आयस तो रखने ही पड़ेंगे यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स तो लेने ही पड़ेंगे ठीक है तो जिंक ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखिए क्या होगा यहां पर Mercury, पर रिडक्शन करता तो रिलीज कर देगा जैसे इस को करेगा, को करेगा? के पास दो इलेक्ट्रॉन तो लेकर ऑक्सीडेशन स्टेट अपना जीरो कर लेगा ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा कौन से ये दो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देगा अब ऑक्सीजन बोलेगा मैं किसके पास जाऊं तो वॉटर इस एच ओ एच वॉटर क्या होता है एच हो ओ एच अब एक ऑक्सीजन और आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और वो जो नया वाला नेसेंट ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बना लेगा ओ एच ओ एच अब आपके पास में दो ओ एच हो गए और दोनों ओ एच पर नेगेटिव चार्ज रहता है हम लोग सब जानते हैं ओ एच पर नेगेटिव चार्ज होता है तो यहां पर टू ओ एच विद नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ये ओ एच मूव करके जाएगा एनोड पर एनोड पर मुलाकात होगी जिंक से जिंक यहां पर अपने आप को क्या करेगा ऑक्सीडाइज तो जिंक यहां पर क्या करेगा देखिए इन दो ओ में से। आप यहां पर देखते हो कि ये ओ तो था लेकिन एक ओ अभी नया नया बनाए ऑक्सीजन लेकर तो ये वाला ओ अपना ये वाला ऑक्सीजन जिंक को पकड़ा देगा और जिंक ऑक्साइड बना लेगा तो क्या हुआ ये टू ओ ये टू ओ फिर ऊपर जैसे हो गए एक ओ OH तो अपने जैसा रहा लेकिन इस ओ OH ने अपना ऑक्सीजन डोनेट कर दिया किसको जिंक को तो अब यहां पर सिर्फ क्या बचा एच और ओ OH, तो ये फिर वॉटर में कन्वर्ट हो गया और इन दोनों में से एक ऑक्सीजन जिंक ने लेके जिंक ऑक्साइड बना लिया जैसे बच्चों जिंक ने जिंक ऑक्साइड बनाया जिंक पर प्लस टू चार्ज आ गया और ये जो ऑक्सीजन है और ये जो ओ OH है जब ये वॉटर बनेंगे तो यहां से इस ओ OH में से एक इलेक्ट्रॉन और इस ओएच OH में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जो कि दो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और यही दो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए यहां आ जाएंगे तो ये कैथोड एनोड पर रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी अब अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखने की कोशिश करें तो देखिए बेटा क्या होगा इस ओ OH एच से ये ओ एच कैंसल आउट ये दो इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी जिंक प्लस एच जी ओ अच्छा ये वाटर से ये वाटर कैंसिल आउट विल गिव यू जेड एनओ प्लस एच जी सिंपल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है देखो इट इज इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ वाटर वाटर जो कि की, water की presence में काम कर रही है और ये आपको इतना सा पोटेंशियल बनाकर देगी तो बच्चों प्लीज जरा मर्क्यूरी सेल के बारे में देख लो ध्यान से इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो फिर अपन चलते हैं प्राइमरी बैटरीज अच्छा अपनी खत्म हो चुकी है अब चलेंगे सेकेंडरी बैटरी की तरफ और फ्यूल सेल की तरफ जो आज ही इसी क्लास में खत्म करेंगे उसको भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा फटाफट से इसको नोट डाउन करो तो हाँ बच्चों हम अब लोग को आ गए हैं हमारे सेकेंडरी बैटरी की तरफ क्या होती है सेकेंडरी बैटरी प्यारे बच्चों सेकेंडरी बैटरी का मतलब होता है ध्यान से इस बात को सुनेंगे जब आप लोगों के पास ये बैटरी होती है तो इन बैटरीज के अंदर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन चलती है जिसकी वजह से और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो केमिकल रिएक्शन चलती है ये किस प्रकार की होती है मैं यहाँ पर लिखूंगा ये स्पॉन्टेनियस होती है मतलब ये खुद ब खुद होती है इस वजह से जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है फॉर एग्जाम्पल जब ये ए से बी बनाती है तो इस वक्त इस वक्त स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने की वजह से जो भी केमिकल एनर्जी निकलती है उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पर जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे यूज़ करते हैं और मेजरली ये जो सेकेंडरी बैटरी में जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये आप लोग आपके घरों में जो इन्वर्टर्स होते हैं उसके साथ में जो बड़ी वाली बैटरी आती है या जो आपकी कार्स या आपकी बाइक्स के अंदर जो बैटरीज होती है वो सब लेड स्टोरेज बैटरी कहलाती है अब जब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई पावर आ गई तो पावर आने की वजह से आप क्या करते हो उसे रिचार्ज से कनेक्ट कर देते हैं रिचार्ज से कनेक्ट करने का मतलब क्या है अभी से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अब जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो आप करंट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना स्टार्ट कीजिए करंट को जब आप इस डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे मतलब अब आपने क्या करा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराना स्टार्ट करा अगर अभी करंट इधर फ्लो कर रहा है अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी अब पावर आ गया आपके घर में करंट आने लगा तो आपने क्या करा अपनी बैटरी को रिचार्ज करना स्टार्ट किया मतलब अब आपने क्या करा करंट की डायरेक्शन बदल दी अब करंट ऐसा नहीं ऐसा आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में मतलब सब कुछ घूम गया मतलब पहले ए के टूटने से बी बन रहा था लेकिन अब बी के टूटने से ए बनेगा मतलब रिएक्शन यहां पर क्या हो गई रिवर्स हो गई मतलब अब आपका जो पहले बी नाम का प्रोडक्ट बना था वो टूट के वापस से ए नाम का रिएक्टेंट बना रहा है और हम लोग सब जानते हैं कि जब भी पावर कट होगा वापस ये ए नाम का रिएक्टेंट हमारे पास में होना चाहिए ताकि ये वापस से कन्वर्ट होकर क्या बना ले बी और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके तो यहाँ पर एक्चुअली इस प्रोसेस की वजह से इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल होती है एक अच्छी बैटरी वो होती है मैं सेकेंडरी बैटरी की बात करूंगा भले ही ये हैवी होती है लेकिन एक अच्छी बैटरी वो होती है जिसकी नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल ज़्यादा हो ऐसा ना हो कि एक बार डिस्चार्ज हो गई आपने चार्ज कर ली फिर डिस्चार्ज हो गई खत्म हो गई नहीं बार बार चार्ज करो बार बार डिस्चार्ज करो जैसे हमारे लैपटॉप्स की बैटरी हमारे मोबाइल्स की बैटरी उनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल सोचो कितनी होती है आज रात को मैंने मोबाइल चार्ज करा सुबह 100 परसेंट था रात तक उसकी बैटरी हो गई 10 परसेंट मैंने फिर चार्जिंग पे लगाया अगले दिन मॉर्निंग में वो फिर हो गया ऐसे करते करते मैं मोबाइल अगर दो साल यूज करूं तो कम से कम हजार बार मैंने उसको डिस्चार्ज करा चार्ज करा डिस्चार्ज करा चार्ज करा उसके बाद भी अगर वो चल रहा है तो उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल बहुत ज़्यादा है तो ये आपके सेकेंडरी बैटरी की खासियत होनी चाहिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी होती है लेड स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर की बैटरी और कार की बैटरी और जो बड़ी वाली बैटरी जो हमारे घर पर आती है है ना जो बहुत लंबी होती है और आप जब उसके मुंह को देखते हैं तो यहां पर आपको एक इस तरीके का इलेक्ट्रोड मिलता है एक कैथोड होता है एक एनोड होता है और ये काफ़ी बड़ी और ऊंची बैटरी होती है और बीच में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के रिफिल दिखते दिखते जहाँ से आप पानी डाल सकते हो तो कुछ इस तरीके की वो बैटरी होती है ठीक है ना ये कार्स वगैरह के अंदर इन्वर्टर के अंदर आप इसको देख सकते हैं अगर हम इन बैटरी की बात करें तो इनका एनोड लेड से बना हुआ होता है और कैथोड में लेड की ग्रिड होती है ग्रिड मतलब क्या ऐसी ग्रिड यानी बॉडी जो लेड से बनी है जो आपको इस बैटरी के अंदर इस तरीके से एक के पास एक के पास एक के पास एक इस तरीके से अरेंज मिलेगी और इसके अंदर इसके अंदर आप लोगों ने लेड ऑक्साइड नाम का पेस्ट भर रखा है आपने लेड ऑक्साइड नाम का इसके अंदर कंपाउंड भर रखा है मतलब इसकी बॉडी लेड की है लेकिन अंदर जो पेस्ट है वो लेड ऑक्साइड का है क्या है बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत अच्छा जो बैटरी होती है बैटरी में ये इस तरफ और इस तरफ ऐसे कैथोड लगा हुआ और एनोड लगा हुआ होता है और जो बीच की स्पेस होती है ये जो बीच की स्पेस होती है इस बैटरी में जो बीच की स्पेस होगी उसमें हम लोग थर्टी एट परसेंट एच टू फोर का सॉल्यूशन रखेंगे मतलब आपने यहां पर थर्टी टू परसेंट सॉरी थर्टी एट परसेंट तो आप लोगों ने एसिड लिया है एच टू फोर बाकी का सिक्सटी टू परसेंट इसके अंदर वाटर होगा और इसी वजह से हम लोग हमारी ये जो इन्वर्टर की बैटरी है कार की बैटरी है जो बैटरीज होती है इसमें प्योर वाटर डालते हैं आयोनाइज वो जो उसके अंदर बिल्कुल भी कोई आयन ना हो स्पेशल बैटरी का वाटर आता है वो हम लोग इसके अंदर डालते हैं ताकि हमारी बैटरी रिचार्ज होती रहे और उसके अंदर क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से पानी कम हो जाता है तो एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एसिड के कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से बैटरी के खराब होने के चांस होते हैं इसलिए बार बार हम क्या करते हैं उसके अंदर पानी डालते हैं ताकि एसिड का कंसंट्रेशन ना बढ़े और हमारी बैटरी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करे क्या बात समझ में आ रही है तो क्या दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे लेट स्टोरेज बैटरी के अंदर कितना परसेंट एच टू एसओ फोर सोल्यूशन होता है तो आप बोलेंगे थर्टी एट परसेंट एच टू एसओ फोर सोल्यूशन होता है नाउ इसके अंदर रिएक्शन कैसे काम करती है हम इस बात को समझते हैं यहां पर आप देखो एनोड पर लेड पी बी एच टू एसओ फोर जब वॉटर के अंदर जाएगा तो हम लोग सब जानते हैं एच टू एसओ फोर वॉटर के अंदर जाने के बाद इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा और बनाएगा टू एच पॉजिटिव प्लस एसओ फोर डाई नेगेटिव हमें यहाँ पर क्योंकि दो मोल एस्टो तो एसो फोर का काम है इसलिए मैंने यहाँ पर दो मोल एस्टो तो एसो फोर को इस प्रकार डिसोसिएट कर लिया है क्या बात समझ मारी मेरे प्यारे बच्चों को क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ठीक है नाउ यहाँ से एक एच फोर नेगेटिव पी के साथ कंबाइन हुआ और उसने बना लिया पी एसओ फोर और बदले में लेड ने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो यहाँ पर लेड का हो गया ऑक्सीडेशन देखिए और दो इलेक्ट्रॉन निकले ये दो इलेक्ट्रॉन चले किधर कैथोड पर अब कैथोड पर क्या-क्या बचा यहां से आने वाले दो इलेक्ट्रॉन H2SO4 के टूटने की वजह से 4H पॉजिटिव और एक SO4 तो लेड ने ले लिया और एक SO4 जो बचा है वो यहां पर आ गया तो लेड ऑक्साइड आपका जो कैथोड है उस पर लेड ऑक्साइड SO4 H2O इलेक्ट्रॉन बचे अब क्या होगा अब ये लेड इस SO4 के साथ कंबाइन होकर PbSO4 बना लेगा यहां से चार हाइड्रोजन इन दो ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रॉन की मदद से वाटर बना लेगा क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को और वाटर बन के बाहर हो जाएगा क्या ये चीज क्लियर हो रही है क्या कि इसके अंदर किसी भी तरीके दिक्कत अच्छा इसकी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में यहां लिख देता हूं देखिए ये निकल कैडमियम बीच में अपन बाद में पढ़ लेंगे पर अपन इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि ये दो इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो रहे हैं ये फोर एच एसओ फोर और एसओ फोर ये यही है फोर एच प्लस टू फोर तो क्या मैं इनको कंबाइन करके एच टू फोर लिख सकता हूं तो इसको इसको और इसको कंबाइन करके मैंने टू मोल्स ऑफ एच टू फोर लिख दिया यहां पर पी बी और पी बी ओ टू है तो पी बी प्लस पी बी ओ टू प्लस एच टू फोर गिवस ये भी पी बी फोर भी पी बी फोर मतलब टू मोल्स ऑफ पी बी एस फोर एंड टू मोल्स ऑफ वाटर तो मेरे प्यारे बच्चों ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन आपके लेड स्टोरेज सेल के अंदर चलती है जब आप इसे चार्ज करेंगे ऑन चार्जिंग जब आप इस सेल इस बैटरी को चार्ज करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी मतलब पी बी एसओ फोर एंड वाटर रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड और लेड बनाएंगे लेड चला जाएगा एनोड पर लेड ऑक्साइड चले जाएगा कैथोड पर और ये सेल चार्ज हो जाएगा तो जब आप चार्जिंग करेंगे तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी और जब ये डिस्चार्ज होगा जब ये डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रिसिटी जाने पर जब ये डिस्चार्ज होगा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ेगी जब आप चार्ज करेंगे तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ेगी एंड दिस इज योर लेड स्टोरेज बैटरी बहुत ईजी है कोई ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है इसको पढ़ना और कोई ज्यादा परेशानी वाली बात भी नहीं है ठीक है अच्छा नेक्स्ट होता है निकल कैडमियम बैटरी बच्चों इसके ज्यादा डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं होती लेकिन एक बात यह है कि इसका बैकअप इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा होता है लेट स्टोरेज बैटरी से ज्यादा बैकअप ज्यादा देर तक चलने वाला ज्यादा डिस्चार्ज चार्ज साइकिल प्रोड्यूस करने वाला होता है निकल कैडमियम सेल बस इसकी हम लोग रिएक्शन ध्यान रखेंगे कि कैडमियम होता है एनोड पर क्योंकि आप लोग देखिए एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है तो इसीलिए आप देखो यहाँ पर जीरो से प्लस टू ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका कैडमियम का और निकल होता है कैथोड पर क्योंकि देखिए अभी इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है लेकिन अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू हो गया क्योंकि इसके पास में टू हाइड्रोक्सी आयन ही रहे हैं तो क्या हुआ यहाँ से एक ओ OH, एच से एक ओ OH और एक ऑक्सीजन मिलकर वॉटर बन के बाहर हो गया और बाकी बचे हुए टू ओ यहां पर एज इट इज रहेगा और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ये 3 ओएच में से एक ऑक्सीजन कैडमियम ने ले लिया तो अब यहां पर दो ऑक्सीजन बचे और छह हाइड्रोजन बचे तो क्या हुआ एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन निकल के वाटर बन के रहेगा बाकी एज इट इज अंदर रहेगा तो ये आपको बन गया निकल ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 यानी निकल का हो गया रिडक्शन और कैडमियम का हो गया ऑक्सीडेशन बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है और कॉल्ड एज निकल कैडमियम सेल ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है इसके बारे में कोई खास बातचीत ना तो बोर्ड्स में होगी ना तो कहीं पर होगी सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पढ़ा दिया है अगर चाहें तो अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं इसको एज कंपेयर टू लेट स्टोरेज बैटरी इट इज़ मोर पोटेंशियल इट इज इट इज़ हैविंग मोर पोटेंशियल एंड ज्यादा देर तक ये आपको बैकअप दे सकती है तो बस इतना इसके लिए हो गया यहां पर सेकेंडरी बैटरीज खत्म हो गई अच्छे से इसको नोट कर लो क्लासिफाइड फॉर्म में फिर पढ़ते हैं फ्यूल सेल जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा फटाफट -फड़ देखें हाँ तो अभी तक हम लोगों ने सारे प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स सेल समझ से लास्ट सेल हमें जो समझना दैट इज कॉल्ड एज फ्यूल सेल नाउ गाइस इस फ्यूल सेल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं आप लोगों ने थर्मल प्लांट्स के बारे में सुना होगा थर्मल प्लांट्स एक्चुअली थर्मल प्लांट्स के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं जो भी हमारे फ्यूल्स होते हैं जिनको अपन फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल मीथेन हो गया नहीं मीथेन नहीं बोलना चाहिए आपका पेट्रोलियम हो गया ऑयल हो गया गैसेस हो गई इन सबको पहले क्या, क्या है? है? किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट किया जाता है कंबंशन का मतलब होता है कंबेशन का मतलब होता है किसी भी गैस को या किसी भी फॉसिल फ्यूल को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो उनके बर्निंग से जो एनर्जी निकलती है जो हीट निकलती है उस हीट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कम्बशन का मतलब सिंपल सा क्या होता है बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो थर्मल प्लांट्स के अंदर प्यारे बच्चों क्या किया जाता है हम लोग हमारे फॉसिल फ्यूल्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं बर्न करने के बाद जो हीट निकलती है जो एनर्जी निकलती है उससे हम लोग बड़े बड़े टर्बाइंस घुमाते हैं वो बड़े बड़े टर्बाइंस जब उस एनर्जी से घूमते हैं तो हाई स्पीड में घूमते हैं और जब हाई स्पीड में घूमते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आपने कार्टून वगैरह के अंदर देखा होगा एक छोटा सा साइकिल का पहिया होता है यानी कि टायर होता है और छोटा सा तो उसमें चूहे को दौड़ाया जाता है और आगे चूहे के खाना रख दिया होता है कुछ फूड आइटम तो वो उसको खाने की लालच में भागता है और वो साइकिल का पहिया गोल 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 घूमता है जितनी तेज वो रोटेट करेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं तो थर्मल प्लांट्स की वर्किंग कुछ ऐसी होती है एंड गाइस थर्मल प्लांट्स आर फोर्टी परसेंट इफेक्टिव 40 परसेंट इफ़ेक्टिव होने का मतलब है कि अगर आपने इसके अंदर फॉर एग्जांपल फ्यूल डाला और फ्यूल से 100 परसेंट हीट निकली तो उस हंड्रेड परसेंट हीट में से आप फोर्टी परसेंट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो मतलब हंड्रेड परसेंट आप एनर्जी दो और चालीस परसेंट इलेक्ट्रिसिटी निकालो समझ रहा है थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है, है समझ में आ रही चीज ना आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ बाद में यह देखा गया हम लोगों ने पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी और बाद में यह देखा गया कि हमारे जो गैल्वेनिक सेल्स हैं हमारे जो गैल्वेनिक सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं क्या है बात समझ में आ रही तो गेलवेनिक सेल का काम क्या होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इज दैट क्लियर टू यू तो बाद में देखा गया कि अगर हम लोग गेलवेनिक सेल का इस्तेमाल करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए तो क्या बुरा है क्योंकि यहां पर क्लियरली विजिबल है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है देन साइंटिस्ट लोगों ने इस पर काम करना चालू किया काम करते रहे काम करते रहे फिर क्या हुआ एक एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्ट निकला यानी कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का प्रोजेक्ट निकला अब वहां पर यह प्रॉब्लम होती थी एस्ट्रोनॉट्स के लिए प्रॉब्लम होती थी कि जब वो स्पेस में जाएंगे तो आप सोचो अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहा है तो उसको स्पेस में जाने में और वहां से वापस आने में महीनों लग जाते हैं देन अगर वो इतनी दूर जा रहा है तो कुछ दिन वहां पर रुकेगा रिसर्च करेगा तो ये एक, एक साल दो दो तो साल के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं तो अब आप सोचो एक एस्ट्रोनॉट है तो ह्यूमन बींग उसको वाटर की जरूरत लगेगी तो वो वाटर कैसे लेके जाएगा स्पेस शटल को इतना बड़ा थोड़ी है कि वो पानी लेकर जा सके अब आप सोचो आप आपके घर में अगर पानी का टैंकर डला रहे हो तो वो दस हजार लीटर वाला जो टैंकर होता है कितना बड़ा होता है और दस हजार लीटर पानी का वेट कितना हो जाता है अगर आप उसको स्पेस में लेकर जाओगे तो हाउ इट इज पॉसिबल तो वो पॉसिबल ही नहीं है तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया गैल्वेनिक सेल को ध्यान में रखते हुए एक सेल बनाया जिसका नाम था फ्यूल सेल प्यारे बच्चों फ्यूल सेल एक सेल डिजाइन किया गया है जो मैं आपके सामने बनाने वाला हूं देखिए यह सेल कुछ इस तरीके का होगा देन यहां पर यह सेल इस तरीके का होगा यहां पर एक्चुअली दो मैंने लगाए हैं ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं एक गैस यहां से ट्रांसफर की जाएगी और एक गैस यहां से ट्रांसफर की जाएगी तो गैसेस से से हम लोग इस तरीके ट्रांसफर करेंगे जिसका मैंने सॉल्यूशन बनाया इसलिए लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूजुअली हम लोग यहां पर एक्वस एन एच यहां पर रखते हैं ठीक है नाउ गाइस इस फ्यूल सेल का इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल इस फ्यूल सेल के अंदर बस एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आप यहाँ से कंटिन्यूसली ऑक्सीजन गैस सप्लाई करें और यहाँ से आप लोग कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस सप्लाई करें समझ मारी बात आप लोगों को अब क्योंकि बेटा ये गैल्वेनिक सेल है याद करो गैल्वेनिक सेल के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एनोड के ऊपर कैसा पोटेंशियल होता है नेगेटिव तो यहां पर बनेगा एनोड जिसके ऊपर पोटेंशियल नेगेटिव होगा और यहां पर बनेगा कैथोड जिसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा हाँ यहां पर यह बात जरूर ध्यान रखना एनोड पर हमेशा की तरह ऑक्सीडेशन ही चलेगा और कैथोड पर हमेशा की तरह रिडक्शन ही चलेगा लेकिन बस पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप हो जाता है हम लोग गैल्वेनिक सेल के अंदर ऑलरेडी सीख चुके हैं क्योंकि एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं कैथोड के ऊपर केटाइंस इकट्ठे हो जाते हैं इसलिए इनका पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है अच्छा इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर भी एक खास बात मैं आपको बता दूं इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर बहुत ही इनर्ट टाइप का बहुत ही ज्यादा इनर्ट टाइप का मेटल भरा हुआ होता है तो यूजअली आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका कैथोड हो या आपका एनोड हो इधर कैथोड और एनोड इज फिल्ड विथ फिल्ड विथ प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनम सिल्वर और गोल्ड मेटल यानी कि इसके अंदर मेटल्स होते हैं नाउ इतनी चीज समझने के बाद अब हम इस गैल इस फ्यूल सेल के बारे में आगे बात करते हैं ठीक है नाउ गाइस अब क्या होगा देखो ध्यान से सबसे पहले बात करते हैं फिर अपन सबसे पहले अपन कैथोड की तरफ चलते कैथोड पर क्या चल रहा होता है वी ऑल नो रिडक्शन वॉट इज रिडक्शन रिडक्शन मतलब एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अब आप बताओ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है ऑक्सीजन मोर है तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन पहुंचेगी कैथोड पर अच्छा कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्योंकि बेटा देखो ये फ्यूल सेल है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस की प्रेजेंस में वाटर बनता है वी ऑल नो और यहां पर आप लोगों ने एक्वस एने सॉल्यूशन लिया है मतलब इस सेल में पानी की कमी नहीं है तो ऑक्सीजन की मुलाकात वाटर मॉलिक्यूल के साथ होगी और इसको चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होंगे नो डाउट ये कहां से आ रहे होंगे नो डाउट एनोड से आ रहे होंगे क्योंकि एनोड पर क्या चल रहा होता है ऑक्सीडेशन वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आए कैथोड पर ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से मिले यहां ध्यान से देखो वाटर मॉलिक्यूल इज नथिंग बट नए अब यह ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहां पर यह दो ऑक्सीजन इस तरीके से दो दो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके टूट जाएंगे ये O2 इस तरीके से टूट जाएगा दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो एक ऑक्सीजन इसके इसके साथ साथ और एक ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा OH. OH इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा ये एच यहां से ऑक्सीजन लेके ओ एच बन जाएगा और ये ओ OH एच पहले से और इन सबके ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज तो आपको यहां पर चार ओ एच दिखाई पड़े तो यहां पर आप लोगों को फोर ओ एच बनता हुआ दिखाई देगा एंड दिस इज द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट वेयर कैथोड क्या चीज क्लियर हुई प्यारे बच्चों को नाउ एनोड की तरफ चलते हैं और एनोड की तरफ देखते हैं कि फ्यूल सेल किस तरीके की रिएक्शन कर रहा है जहां पर लगातार ऑक्सीडेशन काम कर रहा है पहले जरा इतना ध्यान से देख लो इतनी चीज एक बार फटाफट से देख लो ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे ठीक है नाउ अब क्या होगा अब हम लोग पर हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहे हैं तो मैंने यहां पर टू मोल्स ऑफ के साथ रिएक्शन तो पहले से मौजूद है आपको समझ में आएगा मैंने यहाँ चार हाइड्रोजन क्यों लिए मैंने चार हाइड्रोजन इसलिए लिए क्योंकि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एच पॉजिटिव बना लेगा तो चार हाइड्रोजन टू टू धा फोर चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फोर एच पॉजिटिव बना लेंगे ये चार इलेक्ट्रॉन देखो कैथोड पर चले गए तो यहां पर ये पॉजिटिव इसके साथ अगर कंबाइन हो जाए तो क्या बना लेंगे वाटर तो इट विल फॉर्म वाटर तो आपको कितना वाटर मिल गया आपको यहां पर चार वाटर मिल गया तो यहां पर आपको मिलेगा फोर मोल्स ऑफ वाटर प्लस फोर इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज कर दिए जाएंगे इस तरीके से ये रिएक्शन वर्क करेगी एनोड पर अब क्या होगा जब अपन इन रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे ओ OH एच से ओ OH एच कट गया इलेक्ट्रॉन electron से इलेक्ट्रॉन कट गए टू मोल्स ऑफ वाटर और फोर मोल्स ऑफ वाटर माइनस होकर यहां पर सिर्फ टू मोल्स ऑफ वाटर बचा यहां पर टू एच टू दिख रहा है वाटर कट गया इससे टू टाइम्स और यहां पर बचा ओ टू तो दिस इज द फाइनल रिएक्शन दिस इज द फुल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट फ्यूल सेल मतलब यहां पर यह रिएक्शन होगी इन रिएक्शन से आप लोगों को नो डाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी और जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है आई I मीन mean आपको नॉट बाय प्रोडक्ट आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वॉटर ये वॉटर कंडेंस करके क्योंकि अभी तो वेपर के फॉर्म में मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो कंडेंस करके जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जा रहे हैं वो क्या करेंगे इस पानी को पी सकेंगे तो देखिए ये फ्यूल सेल के कितने फायदे हो गए पहली बात आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन अंदर भेजी तो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल इन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद मतलब से इनका पूरा स्पेस शटल इनके कंप्यूटर्स इनके कैमराज हर चीज वर्क कर रहे हैं इनका रेडर इनका पूरा का पूरा जो इनका जो पूरा का पूरा जो स्पेस शटल है वो पूरा इस इलेक्ट्र इस फ्यूल सेल से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क कर रहा है दूसरा इनको इससे वॉटर भी मिल रहा है तो ये उससे पानी पी सकते हैं समझ में आ रही बात आपको और तीसरी खास बात इस सेल की जो एफिशिएंसी होती है जो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी होती है दैट इज सेवेंटी परसेंट मतलब अगर आपने हंड्रेड परसेंट हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस डाली है तो सेवनटी परसेंट आपको यह एनर्जी बनाकर देगा मतलब अगर हंड्रेड परसेंट केमिकल एनर्जी बन रही है तो सेवेंटी परसेंट इलेक्ट्रिसिटी देगा जो कि इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है तो इस तरीके से आपका प्यारे बच्चों फ्यूल सेल काम करता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट हाईली इंपॉर्टेंट आई वुड से अच्छा एक चीज और देखो जो थर्मल प्लांट्स होते हैं मैंने आपसे कहा था थर्मल प्लांट्स में आप लोग फॉसिल फ्यूल का कंबर्शन करते हैं तो प्यारे बच्चों जब कभी भी आप फॉसिल फ्यूल का कंबेशन करते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिथेन ले लिया और आपने मिथेन का कंबर्शन करा तो आपको बाय प्रोडक्ट सीओ टू एंड एच टू मिलेगा वे आर टू इज अ ग्लोबल वार्मिंग गैस सीओ टू ग्लोबल वार्मिंग करेगी और अगर ये कार्बन पूरी तरीके से कंबस्ट नहीं हुआ तो सीओ टू के अलावा आप लोगों को कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकती है ऑक्सीजन की अगर प्रॉपर सप्लाई ना हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है विच इज आल्सो इन्वायरमेंट पॉल्यूश पॉल्यूट करने वाली गैस होती है तो थर्मल प्लांट से पॉल्यूशन भी होता है लेकिन यहां पर इस इस फ्यूल सेल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला है और वाटर बना वाटर पॉल्यूशन थोड़ी करता है वो तो हमारे लिए बहुत काम का इससे अर्थ का टेम्परेचर कम हो सकता है जो बढ़ रहा है तो फ्यूल सेल ओवरऑल बहुत अच्छा सेल है अब इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म खत्म करते हैं अगली इतना ही ये सारे सेल्स अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए फ्यूल सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस बाय बाय हैव अ ग्रेट डे